फिर भी पक्षीराज गरुड़ नहीं है, ठीक है। पेड़ पर रहने वाला है फिर भी पक्षीराज गरुड़ नहीं है। पक्षीराज कौन होते हैं? गरुड़ी होते हैं, गरुड़ी कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि पेड़ पर रहता है लेकिन कौन नहीं है? पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी तीन आँखों को धारण करने वाला है या तीन आँखों वाला है, किंतु शूलपाणी दिया है शंकर को, ठीक है। पर्यायवाची शंकर के शूलपाणी, किंतु शंकर नहीं है, भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद टुकड़े हो जाएंगे, त्वग प्लस वस्त्र प्लस धारी, ठीक है। त्वग यानी वलकल वस्त्रों को, यानी छाल के कपड़ों को पहनने वाला है, धारी यानी धारण करने वाला है, किंतु सिद्ध योगी नहीं है। कौन करता है? जो महापुरुष होते हैं वही वलकल वस्त्र धारण करते हैं। तो ये कह रहा है कि वलकल वस्त्रों को या छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है, किंतु कौन नहीं है? सिद्ध योगी नहीं है, महापुरुष नहीं है। जलम च विभन्नम घटो न मेघे, जल से भरा हुआ है न तो घड़ा है और न ही बादल है। जल से भरा हुआ है न तो घड़ा है और ना ही बादल है। अब ये है अस्व पदोत्तर पहेली। कौन सी है? अस्व पदोत्तर पहेली में जिसमें उत्तर बाहर से ढूंढना होता है। तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है नारियल। क्या आंसर है इसका? नारियल। क्योंकि आपने देखा होगा अभी इस टाइम पानी के नारियल चले थे जिसके तीन आंखें दिखाई देती थी। पक्का हुआ नारियल नहीं, कच्चा बता रही हूँ, पके हुए नारियल के तीन आंखें नहीं होती है, हाँ कच्चे की होती है। हाँ पूरे का ही है, पूरी पहेली है ये। एक पूरी पहेली पूछे इसने, इसने बताया कि पेड़ पर रहता है फिर भी पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन आंखों वाला है फिर भी कौन नहीं है? भगवान शंकर नहीं है। वलकल वस्त्रों को धारण करता है किंतु महापुरुष या सिद्ध योगी नहीं है। जल से भरा हुआ है लेकिन ना तो वो घड़ा है और ना ही वो बादल है। अपन को पता है पानी वाला नारियल होता है ना, वो जल से भरा हुआ ही होता है। अब आ गया इसका आंसर होगा नारियल। आगे देखिए, नंदामी मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामी गायामी भवामी तुष्टु, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम, वदन्तु विज्ञा मम नाम धेयम्। ठीक है, तो देखिए, नंदामी नाचता हूँ मेघान बादलों को गगने आकाश में अवलोक्य देखकर, ठीक है, आकाश में बादलों को देखकर मैं नाचता हूँ, आकाश में बादलों को देखकर नाचता हूँ। नृत्यामी नाचता हूँ, गायामी गाता हूँ, भवामी तुष्टु और प्रसन्न होता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ, न यानी नहीं हूँ, अहम यानी मैं, कृषिज्ञ यानी किसान, न तो मैं किसान हूँ और न अहम अपि पथिको और न ही मैं राहगीर हूँ। वदन्तु बताइए, विज्ञा विद्वान मम मेरा नाम धेयम, नाम विद्वान मेरा नाम बताइए। आकाश में बादलों को देखकर आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ अर्थात प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ और ना ही मैं राहगीर हूँ, तो विद्वान मेरा नाम बताइए। अब देखिए, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा इसमें कोई पहेली स्व पदोत्तर थी और कोई स्वपदोत्तर थी, और किसी के आंसर मुझे भी नहीं आते, किसी के आपको भी नहीं आते, क्योंकि इसमें दो तीन श्लोक ऐसे हैं कि जो उसने कुछ पूछा है तो मुझे भी नहीं आता, देखो ठीक है ना। तो यह आपको मैंने बता ही दिया कैसे करना है आपको। अब ये जो दो लास्ट के थे ना, ये दो, इनको तो आप पूरे सेंटेंस में कर सकते हो, पूरी लाइन भर सकते हो कि है ना, पूरा लिख सकते हो कि पेड़ पर रहता हूँ लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं, उसी के आगे से शुरू कर देना फिर, ठीक है। आ गए अब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई सा कोई सी पहेली पूछनी है क्या? नहीं पूछनी, सभी को समझ में आ गई, तो बढ़िए अपने प्रश्न उत्तरों की ओर। आज शुरू करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। और देखिए और देखो, अगर आप लोगों को इसको पढ़ना नहीं आए तो इसमें जस्ट इसके नीचे इसका अन्वय दे रखा है ना, अन्वय, आप अन्वय से इसको आसानी से पढ़ सकते हो। देखिए, शब्दार्थ आपको किसी को भी नहीं करना है, प्रश्न उत्तर करने हैं तो प्रश्न उत्तर देखिए। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
जो ऐबे सैदे वाले हैं। अगर प्रश्नों के अर्थ याद हुए तो आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? किससे उत्पन्न होती है कस्तूरी? मृगात, हिरण से। किससे होती है? हिरण से। दूसरा, भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम। शक्रम नहीं होगा, तक्रम होगा। शक्रम तो इंद्र था, तक्रम यानी छाछ। भाग कस्य सारम अस्ति, भाग किसका सार है? रवि का। रवि यानी सूर्य का सार है, जिससे आभा बना। भा से क्या बना? आभा, चमक। ये रवि का सार है। आगे, सीमांतेषु का शांता, नारियों में कौन शांत थी? अस्मिन वाक्य आद्य अंताक्षरो स्ते, इस वाक्य में बीच के अक्षरों में कौन सा अक्षर आएगा? मतलब ये पूछ रहा है किन अक्षरों को छोड़कर, तो इसमें आएगा सीता, ठीक है। अगला, त्वम दास्यसि इत्यस्य अर्थो असि, इसका अर्थ है त्वम, क्या अर्थ होगा इसका? त्वम दास्यसि असि, तुम दासी हो ही होगा, और क्या होगा? त्वम दासी असि आएगा, तुम दासी हो। अगला, दासी प्लस असी, कौन सी संधि है इसमें? यण संधि, क्योंकि आधे अक्षर के बाद यह और वह का आना, देखो आधे अक्षर के बाद यह और वह का आना, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यण। नेच्छामी का संधि विच्छेद, ने प्लस इच्छामी लास्ट ई। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय? दृश्य प्लस कत्वा है। आगे प्रश्न उत्तर देखिए, करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के कुल को कौन मारता है? करिणाम कुलो सिंगे हंती, करिणाम कुले को की जगह आ जाएगा सिंगे हंती। दूसरा, कति इतय इति त्रयस्य नाम उल्लेखतम कुरुत, इति कितने है? तीन। इसके नाम कौन कौन से? अनावृष्टि और आवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि और आवृष्टि, ठीक है। इति कतय त्रय इतय, ठीक है। इसके नाम हो गए, पहला ओलावृष्टि, दूसरी अनावृष्टि और तीसरी आवृष्टि। समरस्य सारे किम? रथी। युद्ध का सार क्या है? वीर नहीं आएगा, रथी आएगा, ठीक है। पिबामी अहम इतस्य के संधि, पिबामी प्लस अहम, कौन सी संधि हो गई? यण। इसका विच्छेद करोगे तो हो जाएगा पिबामी प्लस अहम, और इसमें संधि हो गई कौन सी? यण। आगे देखिए, द्रोणम हर्षम उपागते, द्रोण द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। यहाँ द्रोण शब्दर्श अर्थम द्वयम की मस्ती, द्रोण शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? कौन कौन से? ये द्रोणाचार्य और काके, ठीक है। इसके दो अर्थ हो गए, द्रोणाचार्य और काके है। कम बलवंतम ने बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल युक्तम, ठीक है, कंबल युक्तम। कम संज घाने कृष्ण कंसम, और संज घान में कौन सा उपसर्ग है? सम। कौन सा उपसर्ग है संज घान में? सम। तो देखिए, यहाँ आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या नहीं करना, इसके नहीं करने निबंधात्मक, ठीक है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न कह रहे हैं कि आप इसका क्या करो, केवल सार लिखना है, जो नहीं लिखना। आज यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना।